माने रखें, वल्लाह खैर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की मैं तरफ। आप शेयर कर रही हूँ स्टीम मैंगो योगर्ट बनाने की रेसिपी, तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंगो योगर्ट रेसिपी बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज आपको चाहिए वो योगर्ट है। मैं ग्रीक योगर्ट यूज कर रही हूँ। इसमें वाटर जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास ऐसा योगर्ट है जिसमें वाटर है तो आप उसको चीज क्लॉथ में डाल के उसको अच्छे तरीके से स्क्वीज करके वाटर उसका निकाल दें। ये देखें इस तरह का, ये ठीक है, इसको डाल दीजिए एक बॉल में। 2 कप लिए है मैंने, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। 2 कप इसमें चाहिए मैंगो पल्प के। मैंने फ्रेश मैंगो लिए थे राइप, और इनको छोटे छोटे से पीस करके इनको पीस लिए। साथ ही डाल दीजिए इसमें 1 कैन कंडेंस मिल्क का, ये 1½ कप था ऑलमोस्ट। 1 कप लिया मैंने हैवी व्हिपिंग क्रीम का। ये सब लेके पहले आपने मिक्स कर लेना अच्छे तरीके से। 2 टेबलस्पून ले मैंने लिया कॉर्न स्टार्च। लेस देन हाफ टी स्पून मैंने लिया है रोज वाटर का। इसकी जगह आप वनीला एसेंस भी यूज कर सकते हैं। इसको लेके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना ताकि कोई लम्स वगैरह इसमें ना रहे। अब एक मोल्ड लीजिए जिसमें आपने ये मेजा डालना है। इसमें आप डाल दीजिए ये स्ट्रेनर में डालने ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो इससे निकल जाएं। इसको टैप कर लें इस तरीके से ताकि इसकी एक्स्ट्रा जो ये हवा है वो निकल जाए। तो कवर कर लेना है। अच्छे तरीके से ताकि स्टीम इसकी बाहर ना निकले। आप कोई सा भी पैन लें या स्टीमर, उसके ऊपर ये जाली रख दें। अगर इस तरह का स्टीमर बना बनाया तो वो आप यूज कर सकते हैं। उसमें डाल दीजिए 1½ कप वाटर का, या इतना वाटर डालना है कि डिश के साथ टच ना हो। तो इसको बॉयल कर लेते हैं। वाटर बॉयल हो जाए तो इस पे रख दीजिए ये डिश, और इसको कवर कर देना है मीडियम टू लो हीट पे। आपने ऑलमोस्ट 25 to 30 मिनट देने हैं। उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसका नेक्स्ट स्टेप। ये ऑलमोस्ट 45 मिनट हो गए इसको स्टीम करते हुए। हीट मैंने जो है इसकी ऑफ कर दी थी, तो चेक कर लेते हैं। ये हो गया है, इसको आप रेस्ट दे दीजिए अंटल के ये रूम टेम्परेचर के मुताबिक नहीं आ जाता। ये कम्प्लीटली जो है ठंडा हो गया है। इसको अब आपने फ्रिज में रख देना है 2 to 3 आवर, और ओवरनाइट के लिए ये 4 आवर हो गए। इसको अनमोल्ड कर लेते हैं। ये इसमें जरूरत नहीं है कि आप नाइफ से करें, लेकिन अगर जरूरत हो तो इस तरीके से आप नाइफ से भी कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ये डिश रखें जिसमें आपने इसको सर्व करना है, और इसको इसमें डाल दीजिए। इसको इसके ऊपर से हटा दीजिए। ये बहुत अच्छे तरीके से हो गया। अब मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक आपको। तुम्हारी बहुत जबरदस्त किस्म की, यूनिक किस्म की मैंगो और योगर्ट की डिजर्ट रेडी है। आप इसको बनाएं, बहुत आराम से बन जाती है। किसी भी फेवरेट फ्रूट के साथ सर्व करें। मैंने इसमें मैंगो आलमंड और ब्लूबेरी से इसको सेट किया है। जो भी आपका फेवरेट फ्रूट है उसके साथ आप इसको कर सकते हैं, और ना भी हो तब भी सादा भी ये बहुत अच्छी लगती है। मैं एक पीस काट के भी आपको दिखाती हूँ। तो एंजॉय कीजिए। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज।